हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दाल फ्राई। इसके लिए मैंने यहाँ पे दाल में 2 तेज़ पत्ता डाल के पहले इसको बॉयल कर लिया है, 5-6 सीटी लगा के अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम डालने के लिए हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे 3 करी लहसुन की ली थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे किशमिश लेना है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने नारियल लिया, उसको इस तरीके से पतले पतले शेप में कट कर लिया है। 2 करी लहसुन को मैंने यहाँ पे घिस लिया है घी अगस में, और यहाँ पे मैंने 2 टोमेटो लिया है, उसको भी इस तरीके से कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है स्प्रिंग ओनियन, उसको भी बारीक कट कर लिया है, और 3 हरी मिर्ची, उसको भी बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे छौंक लगाने के लिए मैंने लिया है 2 तेज़ पत्ता, थोड़ी सी यहाँ पे मैंने ली है दालचीनी, 2 छोटी इलायची को साबुती मैंने कूट लिया है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग, और मसाला में मैं इसमें ऐड करूँगी नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब हम बनाएंगे। देखिए हमारा पेन गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं डालूँगी 2.5 चम्मच सरसों का तेल। देखिए हमारा तेल अब बिल्कुल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना ये छौंक का सारा सामान, और इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 5 से 6 सेकेंड ही पकाना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये घिसा हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और प्याज। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसको मीडियम फ्लेम पे हम ढक के पकाएंगे 5 मिनट। देखिए एक छोटे से बॉल में मैं यहाँ पे दे दूँगी 5 मिनट तक, ये जो हमने यहाँ पे किशमिश लिया है इसको फूलने के लिए। हमारा प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे ये जो हमने बारीक घिस के रखा था लहसुन और टोमेटो, नमक और हल्दी भी इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट पका लें। देखिए हमने इसको 2 मिनट पका लिया बिल्कुल हाई फ्लेम पे। अब इसको हम पहले अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे ये जो बॉयल किया हुआ चना दाल था उसको, और इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर रखा था वो, और ये जो मैंने पानी में भिंगोया था 5 मिनट किशमिश, इसको भी और नारियल को भी, सबको एक साथ हमें इसमें ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे बिना ढके 2-2 मिनट पकाना है, और बीच बीच में करछी चलाते रहना है ताकि नीचे से ये चिपके ना। देखिए मैंने इसको 2-2 मिनट तक फ्राई कर लिया है, अब इसमें हम ग्रेवी ऐड करेंगे। और अच्छे से मिक्स करके, देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको हम ढक के बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे उबाल आने तक। इसको बीच बीच में हिलाते भी रहना है ताकि नीचे हमारी दाल बैठ ना जाए। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, अब इसके ऊपर हम ये स्प्रिंग ओनियन से गार्निश करेंगे, और अब इसका हम प्लेटिंग करेंगे। देखिए मैंने इसका प्लेटिंग कर लिया है, अब यहाँ पे मैंने देसी घी 2 चम्मच गरम कर लिया, उसमें मैं ये 1/2 स्पून ऐड करूँगी गरम मसाला, और इसका हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। देखिए हमारा दाल फ्राई बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।